जय श्री राम। मैं वसंत रावल आज मैं आपको बताने आया हूं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के अंदर नवग्रहों का फलादेश क्या होता है। जन्म कुंडली का सटीक फलादेश करना हो तो सिर्फ ये न देखा जाए कि ग्रह कौन सी राशि में बैठा है, बल्कि ये भी देखना होता है कि ग्रह कौन से नक्षत्र के अंदर बैठा है और कौन से चरण के अंदर बैठा है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी जातक की जन्म कुंडली के अंदर शनि मकर राशि के अंदर बैठा हो तो हम कहते हैं कि शनि स्वगृही हो गया, अच्छी बात है। लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी देखना होता है कि शनि पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा या फिर धनिष्ठा कौन से नक्षत्र के अंदर बैठा है और कौन से चरण के अंदर बैठा है, तब जाके उसका सटीक फलादेश हो सकता है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सबसे पहले उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के बारे में थोड़ी सी लेकिन बहुत ही गहन जानकारी दूंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि नवग्रह देवता जब उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के अंदर बैठ जाते हैं तो कैसा फल देते हैं, और आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कि जो भी जातक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के अंदर जन्म लेता है उसे कौन से कार्य क्षेत्र में जाने से बहुत आर्थिक लाभ होता है। तो आइए गहराई से जानते हैं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के बारे में। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का जो दशानाथ है वो है सूर्य ग्रह देवता, अर्थात जो भी व्यक्ति उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के अंदर जन्म लेता है समझ जाना चाहिए कि उसका जन्म सूर्य की विंशोत्तरी महादशा में हुआ है, और सूर्य की विंशोत्तरी महादशा 6 वर्ष के लिए आती है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के जो देवता है वो है विश्वदेव। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की जो आकृति है वो छोटा पलंग के समान है। कुछ किताबों में यह भी लिखा है कि हाथी के दो दांत के समान है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का जो अधिपत्य है हमारे शरीर के ऊपर, तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का जो पहला चरण है उसका अधिपत्य हमारे शरीर के ऊपर, हमारी जांघे और पैर की नसों के ऊपर है। और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का जो दूसरा तीसरा और चौथा चरण है उसका अधिपत्य हमारे घुटनों के ऊपर और हमारी त्वचा के ऊपर है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का जो पहला चरण है वो धनु राशि के अंदर आता है, और धनु राशि का स्वामी कौन है, गुरु ग्रह देवता। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का जो दूसरा तीसरा चौथा चरण है ये मकर राशि के अंदर आता है, और मकर राशि का स्वामी कौन है, शनि ग्रह देवता। तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के ऊपर एक साथ तीन तीन ग्रहों की ऊर्जा काम करती है। पहला है दशानाथ सूर्य, दूसरा है गुरु, और तीसरा है शनि। तो सूर्य गुरु और शनि ये तीनों ग्रहों की एक साथ ऊर्जा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के ऊपर काम करती है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की योनि है मुंगुस, गण है मनुष्य, नाड़ी है अंत्य, युजा है अंत्य, तत्व है वायु, पुरुषार्थ है मोक्ष, वृक्ष है नीम का झाड़। अभी हम लोग और स्टेप अंदर जाते हैं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की थोड़ी सी लेकिन गहन जानकारी। तो सुनिए, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की जो आकृति है वो है छोटा पलंग और हाथी के दांत। इससे ये जाहिर होता है कि ऐसे व्यक्ति स्वभाव से स्थिर गंभीर होते हैं, विचारवंत होते हैं, शांति प्रिय होते हैं, उत्तम स्मरण शक्ति वाले लोग होते हैं, बहुत ही साहसिक लोग होते हैं, शरीर से स्वस्थ तंदुरुस्त और निरोगी होते हैं, और उन्हें मीठा खाना बहुत पसंद होता है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का जो गण है वो है मनुष्य गण। इससे जाहिर होता है कि ऐसे व्यक्ति समूह में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, और ये लोग सामाजिक होते हैं, ये लोग सबके सुख दुख में सहायता करने वाले लोग होते हैं, और संबंधों के लिए अपने जान की बाजी भी लगा देते हैं, एकजुट होकर सुख दुख को साझा करने वाले लोग होते हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का जो तत्व है ये तत्व है वायु तत्व है।
जो हमारा शरीर है ये पंच तत्वों से बना है, उसमें एक तत्व है वायु तत्व। तो उत्तराषाढ़ नक्षत्र का तत्व है वायु, इससे जाहिर होता है कि ऐसे व्यक्ति स्वभाव से बहुत ही सरल, प्रामाणिक, गतिशील, प्रगतिशील, उत्साही, स्फूर्तिले, अपनी मस्ती में मस्त रहने वाले लोग होते हैं और कुदरती सौंदर्य के चाहक होते हैं। इन्हें नदी, झरने, पहाड़, जंगल जैसी कुदरती जगहों पे जाना, घूमना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। उत्तराषाढ़ नक्षत्र का जो पुरुषार्थ है यह है मोक्ष। हमारे जीवन के अंदर चार प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो उत्तराषाढ़ नक्षत्र का जो पुरुषार्थ है यह मोक्ष है। इससे यह जाहिर होता है कि ऐसे व्यक्तियों को धर्म के प्रति बहुत ही आस्था होती है, ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा रखने वाले लोग होते हैं। ये लोग बहुत ही धार्मिक, आध्यात्मिक होते हैं और जीवन के उत्तरार्ध में इन्हें आत्मचिंतन, आत्ममंथन, ब्रह्मज्ञान, तत्वज्ञान, फिलोसॉफी जैसे विषयों में बहुत ही रुचि आती है। उत्तराषाढ़ नक्षत्र का जो वृक्ष है ये नीम, इससे पता चलता है कि जिसका भी नक्षत्र उत्तराषाढ़ा हो, अगर ऐसे व्यक्ति अपने घर के आंगन में या फिर अपने खेत के अंदर या फिर अपने फार्म हाउस के अंदर नीम का झाड़ लगाए तो उन्हें बहुत आर्थिक लाभ होता है। अभी हम आते हैं दूसरे स्टेप के अंदर के नवग्रह देवता जब उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के अंदर बैठ जाते हैं तो कैसा फल देते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं सूर्य को। अगर सूर्य उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के अंदर बैठा हो तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनतू होते हैं, अपने कार्यक्षेत्र में मग्न होते हैं, कर्म को ही अपना धर्म मानने वाले लोग होते हैं, इसलिए इन्हें कर्मयोगी भी कहा जाता है। ऐसे व्यक्तियों को अपने अच्छे कार्यों के वजह से समाज के अंदर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति बड़े होकर एक अच्छे शिक्षक, गवर्नमेंट सर्वेंट बन सकते हैं, राजनीतिज्ञ बन सकते हैं, यानी कि पॉलिटिशियन बन सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कायदा, कानून, कोर्ट, कचेरी ये सब कामों से बड़ा लाभ होता है। ये लोग गवर्नमेंट के ठेके ले सकते हैं तो इन्हें अच्छी सफलता प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी और ऊर्जावान होते हैं। ऐसे व्यक्ति शरीर से जोशीले, उत्साही, स्फूर्तिले होते हैं। ये लोग अपना काम पूरी ईमानदारी, वफादारी से करते हैं और अपने काम के अंदर किसी दूसरे की दखलंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं करते और अपना काम जब तक पूरा ना हो तब तक चैन से भी नहीं बैठते। अभी हम आते हैं चंद्र के ऊपर। अगर चंद्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में बैठा हो तो निश्चित तौर पे दो टाइप का फल देता है। अगर चंद्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के पहले चरण में बैठा हो तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देगा। क्यों? क्योंकि धनु राशि का स्वामी है गुरु और चंद्र का गुरु के साथ मित्रता का संबंध है। जबकि यही चंद्र अगर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के दूसरे, तीसरे और चौथे चरण में बैठा हो तो बिल्कुल अच्छा फल नहीं देता, क्योंकि वो शनि की राशि में आ जाता है और शनि की राशि के अंदर चंद्र शत्रु राशि का होने की वजह से अच्छा फल नहीं देता। अभी हम फल बताएंगे कि जिसका भी चंद्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के पहले चरण में हो ऐसे व्यक्ति स्वभाव से विनम्र, विनयी, विवेकी होते हैं, बहुत ही इमोशनल, सेंसिटिव, भावनात्मक, संवेदनशील लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपना घर ऐसी जगह पे खरीदते हैं जहां पे उनके समाज के लोग बहुत ज्यादा रहते हो। ऐसे व्यक्ति अपने व्यापार के लिए कोई ना कोई वाहन की खरीदी करते हैं, या फिर ये भी कह सकते हो कि अपने वाहन का ज्यादातर उपयोग वो अपने बिजनेस के लिए करते हैं। ये लोग समाज के अंदर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं। इन्हें माता बहुत ही संस्कारी, नसीबदार और व्यवहार प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति बड़े होकर व्यापार के क्षेत्र में जाए तो निश्चित तौर पे
बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। अभी आता है मंगल। अगर मंगल उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में बैठा हो तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देता है। क्यों? क्योंकि मंगल जब उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के दूसरे तीसरे चौथे चरण में बैठा हो तो वहां पे मकर राशि आ जाती है और मकर राशि के अंदर मंगल उच्च राशि में बलवान हो जाता है। तो मंगल जब उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के दूसरे तीसरे चौथे चरण में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति शरीर से स्वस्थ तंदुरुस्त निरोगी होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनतू साहसिक पराक्रमी होते हैं। ऐसे व्यक्ति नीडर लीडर आगेवान होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को सुरक्षा क्षेत्र में जाने से बहुत ही मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, जैसे कि पुलिस खाता, नेवी, आर्मी, मिलिट्री, CRPF, BSF, अग्निशामक, सिक्योरिटी गार्ड, ये सब कार्यों के अंदर उन्हें बहुत अच्छी सफलता मिलती है। अगर कोई बच्चा पढ़ाई करता हो और अगर उसकी कुंडली के अंदर मंगल उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के दूसरे तीसरे चौथे चरण में बैठा हो तो उस बच्चे को सलाह देनी चाहिए कि वो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाए तो उसे बड़ा लाभ होगा, जैसे कि सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, एरोनॉटिकल इंजीनियर, ऐसे कोई भी कार्य क्षेत्र में जाए पढ़ाई करे तो उसे निश्चित तौर पर बहुत लाभ होता है। ये लोग बड़े होकर एक इंडस्ट्रियल बन सकते हैं। इन्हें ट्रांसपोर्ट के काम से, इलेक्ट्रिक आइटम के काम से, इलेक्ट्रॉनिक आइटम के काम से भी बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। अभी हम आते हैं बुध ग्रह के ऊपर। बुध ग्रह उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में बैठा हो तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देता है, क्योंकि बुध का राशि स्वामी शनि के साथ मित्रता का संबंध होता है और बुध का दशाना सूर्य के साथ भी मित्रता का संबंध होता है। तो बुध जब उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में बैठ जाता है तो ऐसे व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, दिमाग से चालाक, चतुर, होशियार होते हैं। स्वभाव से विनम्र, विनयी, विवेकी होते हैं। मीठी वाणी बोलने वाले लोग होते हैं। इनका भाग्योदय 32 साल की उम्र में शुरू हो जाता है। ये लोग बड़े होकर एक अच्छे व्यापारी बन सकते हैं। कम मेहनत और बुद्धि का ज्यादा उपयोग करके धन अर्जित करते हैं। ऐसे व्यक्ति तीक्ष्ण बुद्धि वाले लोग होते हैं। इनकी स्मरण शक्ति बड़ी गजब की होती है। इनकी ग्रहण शक्ति भी बहुत ही बलवान होती है। ऐसे व्यक्तियों को 32 वर्ष के बाद अगर जमीन जायदाद ऐसे सब कामों में अगर ये लोग खाद डालें तो इन्हें बहुत लाभ होता है। अगर बुध उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों को बुद्धि और ज्ञान के द्वारा भी धन अर्जित होता है और इन्हें बुद्धि और ज्ञान अर्जित करना, ज्ञान प्राप्त करना इन्हें बड़ा अच्छा लगता है। अभी आते हैं गुरु ग्रह देवता। गुरु ग्रह अगर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में बैठा हो तो मध्यम फल देता है। गुरु अगर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के पहले चरण में बैठा हो तो वहां पे गुरु स्वगृही हो जाता है। लेकिन अगर गुरु उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के दूसरे तीसरे चौथे चरण में बैठा हो तो बिल्कुल अच्छा फल नहीं देता, क्योंकि गुरु मकर राशि के अंदर नीच राशि में निर्बल हो जाता है। तो सुनिए, अगर गुरु उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के पहले चरण में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक, आध्यात्मिक होते हैं। इनके पिता को समाज के अंदर बहुत ही मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। संतान सुख भी इन्हें बहुत अच्छा मिलता है। और अगर गुरु उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के दूसरे तीसरे चौथे चरण में बैठा हो तो बिल्कुल अच्छा फल नहीं देता। क्या अच्छा फल नहीं देता? तो सुनिए, ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पाते जिसके वो हकदार होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को वो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त नहीं होती जिसके वो हकदार होते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति व्यापार करे तो उनके व्यापार में बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है और बार बार उन्हें व्यापार में नुकसानी के भी योग बनते हैं। अभी हम आते हैं शुक्र के ऊपर। शुक्र ग्रह उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में बैठा हो तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देता है। ऐसे व्यक्ति स्व मेहनत से, अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, अपने दमखम पर शून्य में से सर्जन करने वाले लोग होते हैं।
ये लोग बड़े होकर एक प्रोफेशनल व्यक्ति बन सकते हैं, जैसे कि एक अच्छे डॉक्टर, वकील, सीए, ज्योतिषकार, ये सब बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति बड़े होकर और एक अच्छी चीज कर सकते हैं, राजनीति में जाए तो ये बड़ी नामना कमाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को सुंदरता से लगता कोई भी व्यापार करे तो फायदा होता है। स्त्रियों के उपयोग में आने वाली कोई भी चीज का व्यापार करे तो भी उन्हें लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति बड़े होकर एक अच्छे गीतकार, संगीतकार, वाजिंत्र वादक, लेखक, कवि बन सकते हैं। अगर ये लोग चाहे तो एक अच्छे एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर भी बन सकते हैं, नाटककार बन सकते हैं, कोरियोग्राफर बन सकते हैं, मेकअप आर्टिस्ट भी बन सकते हैं। अगर शुक्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति दिखने में बहुत सुंदर होते हैं और विजातीय आकर्षण उन्हें बहुत जल्दी हो जाता है, या विजातीय लोग उससे जल्दी आकर्षित भी हो जाते हैं। अभी आते हैं शनि ग्रह। शनि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में बैठा हो तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छा फल देगा। क्यों? क्योंकि शनि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की जब दूसरे, तीसरे, चौथे चरण में बैठ जाता है तो वहां पे मकर राशि है और शनि मकर राशि के अंदर स्वगृही हो जाता है, तो निश्चित तौर पे शनि अच्छा फल देगा। तो शनि जब उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में बैठ जाता है तो ऐसे व्यक्ति धीमी गति से प्रगति करने वाले लोग होते हैं, लेकिन जीवन के उत्तरार्ध में सर्व सुख संपन्नता प्राप्त करते हैं, सर्व प्रकार के भौतिक और सांसारिक सुखों की प्राप्ति करके समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। इनका भाग्योदय 36 साल की उम्र में शुरू हो जाता है। इन लोगों को लोखंड, मशीनरी, मैकेनिकल काम, टेक्निकल काम, ट्रांसपोर्ट का काम, बिल्डिंग मटेरियल का काम, फैब्रिकेशन, खेतीबाड़ी जैसे कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति अच्छे समाज सेवक भी होते हैं और इनके अच्छे कार्यों के वजह से इन्हें जीवन के उत्तरार्ध में समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति चाहे तो एनजीओ चला सकते हैं। ये लोग अनाथ आश्रम, वृद्ध आश्रम, अंध आश्रम, मतिमंद आश्रम जैसे आश्रमों के अंदर सेवा दे तो भी बड़ा लाभ होता है। ऐसे व्यक्तियों को जूना घर खरीदने के योग बनते हैं या फिर सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने के योग बनते हैं और उससे उसे लाभ भी होता है। कभी आते हैं राहु। राहु उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में बैठा हो तो अच्छा फल देता है। ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय 42 साल के बाद शुरू होता है। ये लोगों को राजनीति में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में, मिलावट के धंधे में, इलेक्ट्रॉनिक आइटम के धंधे में बहुत लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति बुद्धि से बहुत ही चालाक, चतुर, होशियार होते हैं, तीक्ष्ण बुद्धि वाले लोग होते हैं और ऐसे व्यक्ति आगे जाके धनवान, यशवान बनते हैं। केतु अगर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में बैठा हो तो 48 साल के बाद भाग्योदय होता है। विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक, आध्यात्मिक होते हैं और अपने अच्छे कर्मों की वजह से मान सम्मान प्राप्त करते हैं। अभी आते हैं तीसरा स्टेप, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के कार्य क्षेत्र। ये लोग एक अच्छे वकील, जज, फिलोसोफर, मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। ऐसे व्यक्ति बैंक के कर्मचारी हो सकते हैं, शिक्षक, लेक्चरर, प्रोफेसर, प्रिंसिपल बन सकते हैं। ये लोग एक अच्छे ज्योतिषकार, वास्तुशास्त्री, रत्नशास्त्री, कर्मकांडी, ब्राह्मण बन सकते हैं। राजनीति और सरकारी ठेके लेना, गवर्नमेंट के कर्मचारी, बिल्डिंग मटेरियल का धंधा करना, ये सब कामों में बड़ी सफलता प्राप्त होती है। प्रिय दर्शकों, आज उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के बारे में काफी गहन जानकारी दी है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।